नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। हमको ये आप बता सकते हैं इधर कोई खाने पीने का जगह हो, कोई इंडियन फूड वगैरह मिलता हो? नमस्ते भैया। नमस्ते, हम इंडिया से हैं, हमारा नाम कृष्णा है। अच्छा भैया, ये का पाव भाजी है? ये पाव भाजी नहीं है भाई, बर्गर है। अच्छा, ये बर्गर है? ये पाकिस्तान है। हम अंकल, हम इंडिया से आए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा है अंकल, यूपी बिहार से आए हैं हम इंडिया से। अपने मौसा जी के घर आए हैं इधर हम ना। हमारे बापू जी और मौसा जी कहीं बाहर निकल गए तो हम भी जल्दी में निकल आए ना। अच्छा, इधर घूमने इस समुंदर के पास। तो व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक विद अनदर गेस्ट वीडियो इन पाकिस्तान, इंडियन गेस्ट इन पाकिस्तान, जिसके साथ हमारा पिछला भी रिएक्शन हो चुका है, डर्म टीवी उनकी वीडियो है। सो अस्सलाम वालेकुम माय मुंजीब एंड वेलकम बैक विद माय न्यू क्लासिक वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, वो एक रिएक्शन बेस्ड वीडियो है जो कि पाकिस्तान इंडियन गेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी है पर इंडियन गेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को इन पाकिस्तान। वो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मतलब इंडियन के साथ पाकिस्तान में कैसा बर्ताव होता है, कैसा सलूक होता है। सो यहाँ पर बात कुछ लिमिटेड सी है कि वी जस्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो विद डम टीवी टू इन द रिएक्शन एंड दैट गॉट ब्रिलियंट रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक ओवर द इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आज हम उनके साथ बनाने जा रहे हैं दूसरी वीडियो एंड देयर चैनल एंड द एक्टिंग एंड द क्वालिटी ऑफ देयर वीडियोस आउटस्टैंडिंग। सो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग न्यू मेंशन पे तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन बिलो सेशन। टिल देयर स्टे ट्यून विद मी एंड चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, दिस इज लाल बच्ची। तो आज मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें मैं इंडियन गेस्ट बनके लोगों के पास जा रहा हूं। तो आए देखते हैं लोगों का कैसा बिहेवियर होगा मेरे साथ एज एन इंडियन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पति की बात कर दी। इंडियन गेस्ट इन पाकिस्तान सोशल एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। हमको ये आप बता सकते हैं इधर कोई खाने पीने का जगह हो, कोई इंडियन फूड वगैरह मिलता हो? नमस्ते भैया। नमस्ते, हम इंडिया से हैं, हमारा नाम कृष्णा है। अच्छा भैया, ये का पाव भाजी है? ये पाव भाजी नहीं है भाई, बर्गर है। अच्छा, ये बर्गर है? ये पाकिस्तान है। हम अंकल, हम इंडिया से आए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा है, यूपी बिहार से आए हैं, इंडिया से। अपने मौसा जी के घर आए हैं इधर हम ना। हमारे बापू जी और मौसा जी कहीं बाहर निकल गए तो हम भी जल्दी में निकल आए ना। अच्छा, इधर घूमने इस समुंदर के पास। अच्छा, तो हम अपना वॉलेट लाना भूल गए हैं। तो आप कुछ हमारा कोई कर देते, मदद कर दे, कुछ खा पे हल्की फुल्की सी, बाकी हम घर जाएंगे। तो आपको खाना खिलाते हैं इधर हमको। आप हमको ये बताएं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा? हाँ थोड़ा दूर तो है यहाँ से, आप कुछ खा। भूख तो हमें बहुत लगा हुआ है, हम क्या करें? चले हमें कुछ दे दें आप, ये आपकी मोहब्बत आप हमें दे रहे हैं। ये पाव भाजी की तरह ही लग रहा है। पाव भाजी की तरह नहीं है ये। ये आप हमको खिलाएंगे का? खिलाएंगे, खिलाएंगे। भैया हमारे लिए भी एक बना दें। इसकी एक्टिंग जो है क्लासिक है क्योंकि ये एक्टिंग में जान डालने वाली पर्सनैलिटी रखता है। जाइल बट्टी, एक्चुअली हम अपने इतना मौसा जी के और बिहारी तरह की लैंग्वेज भी इसकी मतलब ठीक ठाक ही आ रही है। तो हमको कह रहे थे इधर बाहर ज्यादा नहीं जाएं तो अच्छा नहीं है आपके लिए। नहीं, वो कह रहे थे इधर के लोग थोड़े ऐसे कोई गलत बर्ताव ना करें आपके साथ। हाँ, उनको निकलने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि बाहर निकलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान, तो वो इसीलिए हम उनसे छुप के निकल के आए। अच्छा। जी मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ मंदिर। आप मुझे छोड़ देंगे मंदिर? एक बात बोले, हम जब इंडिया से निकल रहे थे तो हमारे दोस्त हमको बोले कि वहाँ नहीं जाओ, वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, आप मंदिर का पूछोगे तो दुआ करोगे, आप लोग दुआ करते हैं, हम पूजा करते हैं वहाँ पर। सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी हमारी तरह ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये आपने बात की ना, सेम ही है सारे इंडियन चेंज से, बंदे इंसान तो चेंज नहीं हो जाता ना। कहाँ पे रहते हैं? हम इधर पीछे ही आए हैं, हम अपने मौसा जी को बता के नहीं ना आए आज। हम उनको बोले कि हम उनको पान खाने वाले बंदे से बात हो रही है, तो वो हमको कहे कि इधर निकलना सही नहीं है, कोई मसला नहीं यहाँ पर। आप कभी आए ना हमारी तरफ इंडिया, हम आपको इतनी सेवा करेगा कि आप। मैंने जो सुना है वहाँ पे मारते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। ये देखो ये जो पांच उंगलियां हैं, राज बात करती है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर अच्छे लोग ये आपकी बात। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कहीं होते हैं, पर ये कहाँ है इंडिया, ये पाकिस्तान, सब तो सेम है। यूपी भी पाकिस्तान की तरह ही है, बस लोगों का माइंड सेम है। हाँ, बस लोगों को पता नहीं क्या मीडिया सबसे जीआरटी जो है वो मीडिया है। हम खुद आए ना अभी इधर,
तो हमको मालूम हुआ कि भाई इधर तो बहुत अच्छा लोग है जी जी जी, पर ये टीवी पे पता नहीं कहाँ दिखाया जाता है, ऐसे दूर से कैसे बंदा जजमेंट कर सकता है। जी सही बात है, ये बुरा है। रांची भी दिल्ली की तरह ही है, लोग भी वैसे ही, पता नहीं क्यों लोग भेदभाव करते हैं, ऐसा होता है। आए आपको खाना वाना खिलाएं? नहीं, थोड़ी सी आप मुझे वो हेल्प कर दें ताकि मैं आगे जाके कुछ खा लूं। This currency can work everywhere. क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। इंडिया में भी ये चीज है, इधर भी ये चीज है। लोग पता नहीं कहाँ कहते हैं कि बातें बनाई हुई हैं लोगों ने बस। बाकी हम आपको एक बात बोले, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छा है। अच्छा, ये भी देंगे हमको? अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये तो हमने ले लेंगे। पर ये बताएं इनका पैसा कितना हुआ? ऐसा कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो, हमारे नहीं, हम भाई तो हैं आपके, पर आपका कारोबार है, हम वो तो नहीं ना, आप हमारे मेहमान हैं आप, हम नहीं नहीं आप हमें पैसा बताएं कितना हुआ। अरे बताएं ना कितना हुआ। इतना क्यों ना करो यार, बात खत्म करो भैया। आप हमारी बहुत मेहमान नवाजी कर रहे हैं, बहुत। नहीं नहीं हम खड़े, हम हाँ, हमको ये तो मालूम हो गया है, ये बात 100% सच है। पाकिस्तान में मेहमान नवाज को तो फिर भी शेयर और के ये तो हटके ही है भैया। बंदे से मिलेंगे वो आपको मेहमान, हाँ, किसी भी रिलीजन के बंदे से कल्चर, हाँ, समझ गया मैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, कृष्णा राव भाई, सामने होता हूँ मैं, वहाँ भी नाम है मेरा आईबी टेक। क्या है उधर? आईटी ऑफिस है मेरा जी। आप उधर होते हैं? कोई काम वाम हो तो बता दो। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नमस्ते भैया। अरे थोड़े से बस ऐसे हाथ में डाल देते तो बहुत अच्छा हो जाता यार, भाई को यार। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, पैसा है हमारे पास, ये नहीं, आप ये देखें, हमारे पास ये है, पाकिस्तानी कायद आजम बने हुए, देखें हमारे पास है पैसे। कितने हो गए अंकल? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं हमारी तरफ। अरे नहीं, ऐसे नहीं करें भैया, यार मुझे ये चीज करनी चाहिए ट्राई, पर या वो नहीं लाहौर साइड वगैरह पे, क्योंकि यहाँ पर जो ना मुझे मार पड़ जाएगी किसी से, पठान जो है ना हाइपर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि एक्सेंट और बंदे से मैं सब जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, लग ही नहीं रहा कि मैं कोई इंडियन या कोई और। तो हमने मौसा जी बोले कि ज्यादा बाहर इधर नहीं जाना अकेले में। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता है, मगर ये थोड़ा पाकिस्तान हमारे में ये सब बातें हैं। हाँ, अभी हम जाके अपने इंडिया में अपने दोस्तों को, हर एक मजहब के को जीने की, हाँ बिल्कुल, ये आप जो बात कहे ना ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहे हैं। मजा आ रहा है, बर्गर कैसा है? आपकी पाव भाजी जैसा? हाँ बिल्कुल, पाव भाजी। आप हमें बताएं पैसा कितना हुआ? पैसा छोड़ दें, आप हमसे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ऑफकोर्स यार, हमारे पास पैसा है, नहीं लेंगे आपसे पैसा। देखें जो आपने हमें ये प्यार दिया है ना, हमसे अच्छे से बात करके, मेहमान नवाजी करके, वो हमको बहुत मजा आया। आप अब पैसा बताएं कितना? नहीं पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। नहीं नहीं, पैसा तो हम देंगे सर, बताएं कितना हुआ? आपसे पैसा नहीं लेंगे, हमारा भी एक बनता है, कोई बात नहीं, अगर आप भाई हैं आप खा जाएंगे। पाकिस्तान बहुत अच्छे बिहारी टाइप एक्सेंट किया जाएगा तो हम सबको बताएगा वहाँ कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बहुत अच्छे हैं वो। अब आप इतना कर रहे हैं कि पैसे नहीं ना करें। लेकिन पिछली बार वीडियो में जो सीन हुआ था, इस वाली वीडियो में डिफरेंस बहुत है। जैसे मैंने बताया कि रोंग टीवी जो है ना, इसमें मतलब अच्छा लगा, बाहर निकले बड़ा लुक और वो स्पाइस नजर आती है। अच्छे लोग हैं यहाँ पर, कौन कहता है कि बुरा है, ये बुरा है। मेहमान हो यार, हम आपको खिला देंगे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो हम आपको खिला देंगे भाई। नहीं नहीं, आप वो तो हम खा लेगा, आप सिर्फ हमें बता दें कि हमें किस तरफ जाना होगा अच्छे मिलने। हाँ ये हम घूमने जा रहे हैं, हम उनको बोले, वो कह रहे हैं हमारे साथ चलें, तो वो हमको इतने दिनों से ले के ही नहीं जा रहे थे, हम सोचे कि हम अकेले ही निकल जाते हैं। पर अंकल हम आपको सच बात बताएं, आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा, हम मौसा जी को बोलेंगे जाके कि आप ये, हाँ यार इनको स्टूडियो पे ले जा, शाम के वहाँ ये बात तो है। शुक्रिया, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है भैया, ठीक है? मुझे पिछली वीडियो में भी एक सवाल ज़हन में आ रहा था कि यार इन लोगों ने ये वीडियो के लिए जो कैमरा फिट किया ना, ये कहाँ पर किया है? क्योंकि जो कि क्वालिटी आ रही है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारा ये सोशल एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यार जो कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट था ना, नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि बिहारी लुक, बिहारी एक्सेंट और बिहारी तरीके से बात करना। पर इस वीडियो में जो ना एक बात थोड़ी सी
जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था कि ये धमकी वाला जो है ना, ये भट्टी ये बोलता नहीं कि मैं जो ना पाकिस्तानी हूँ, ये ले ले ये वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये कभी कभार बोलता है, बट मोस्टली ये फ्री में कहा जाता है। और मैं भी बोलता भी हूँ, पर वो वीडियो में दिखाता ना हो, पर इन वीडियो में जो देखेगा हम उसी पे बिलीव करेंगे ना। बट द वीडियो वाज आउटस्टैंडिंग एंड आई लव्ड इट सो मच, क्योंकि बिहारी टाइप लुक जो था ना, ये बिहारी टाइप जुबान जो है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। मुझे इंडिया में दो जुबानें बहुत अच्छी लगती, बिहारी और एक हैदराबादी, वो क्या बोलते हैं मियाँ भाई, वो ऐसी वाली जुबान जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्लासिक होती है। So for me, the video is next level, and I love you so much for your kind information. That social experiment video shows us the reality of the country, the reality of the people, and the reality of the behalf of the people. के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, असल में वो होते कैसे। कभी भी किसी को दूर से जज नहीं करना चाहिए, जिसको भी करना चाहिए नज़दीक आकर सामने बात करके जज करना चाहिए, क्योंकि लोगों की सुनी सुनाई बातें मोस्टली धुंधली होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। So this is what we see in the video, that how the Pakistan people treat Indians in Pakistan. और इसी तरह इंडिया में भी होता है, क्योंकि हमारे एक ब्लॉगर गए थे इंडिया और उसे वहाँ पर पंजाब में इन ऑल ओवर द इंडिया बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। होते कुछ न कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत साइड होते हैं, पर एक दो की वजह से सारे के सारे नेशन को बदनाम नहीं करना चाहिए। For me the video is next level and outstanding. अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट द वीडियो, एंड टिल दैट स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माय अपकमिंग नेक्स्ट सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियो फ्रॉम द डम टीवी एंड सम काइंड ऑफ अदर चैनल्स। टिल दैट टाटा, बाय बाय।